नमस्कार, मैं रितेश बाजपेयी, आप देख रहे हैं MH न्यूज़ 9 विदर्भ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महालक्ष्मी पूजा, जो कि बहुत ही महत्व रखती है। आइए जानते हैं कि महालक्ष्मी की ये पूजा क्यों की जाती है, क्या सत है इसके पीछे का। जी, आपकी महालक्ष्मी पूजा ये कितने बरसों से कर रहे हैं? नहीं, 20 बरस हो गए। 20 बरस हो गए हैं। हाँ जी, 20 बरस से ये पूजा कर रहे हैं, क्या सत है इसका, क्यों की जाती है ये पूजा, इसके बारे में जानकारी। इसका सत है, और हमारे घर में ऐसा कोई ज़्यादा ये नहीं था, हम ज़्यादा ये नहीं, इसके बिठाए हम तो हमको सब हमको अक्सर देखा जाता है कि गणपति तो हर किसी घर में बैठाया जाता है, लेकिन महालक्ष्मी जो है ये बहुत कम ही लोगों के, गिने चुने लोगों के यहाँ बैठती है, तो क्या कारण है इसका? कारण तो बहुत है बताने के लिए। जैसे एक दो कारण बताइए ना। महालक्ष्मी हमने हमारे घर में ही आई है, ऐसे ही बोलती थी वो, क्या मैं आती हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमने बोले बच्चों को क्या बिठा लो, तो मैंने डर रही थी क्या बच्चे लोग क्या बोलेंगे, ये ज़्यादा ही खर्चा बढ़ाती है करके बच्चे लोग बोलेंगे, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बोली नहीं। तो फिर एक दिन वो छोटा वाला ये अभी गया है, वो बोले मम्मी महालक्ष्मी बिठाती क्या? हाँ बिठाऊंगी बोली, तो उस साल से बिठा रही हूँ मैं। पिछले गए 20 सालों से आपके महालक्ष्मी का ये पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है, तो अभी इस महालक्ष्मी के टाइम पे किस तरह का उत्साह, किस तरह के मन में क्या चलता है आपकी, किस तरह की मेहनत आप इस महालक्ष्मी के लिए करती हैं? वो ही देखती है उत्साह और क्या करना है। पहले तो मैं बोलती हूँ अपने दिल में कि मेरे से होता नहीं होता, मगर वो अपना वक़्त पे अपना कर लेती है सब, जो हाथ पाओ मेरे सब ठीक। मैंने ऐसा सुना है कि महालक्ष्मी की इस पूरी पूजा में आंबिल नाम का जो एक पदार्थ है। हाँ आंबिल, कुछ नहीं रहा तो भी वो आंबिल कुछ किसी से बना नहीं, क्या गरीब है कुछ से बना नहीं, तो आंबिल बिठा देना और आंबिल बना लेना, बस उस बस हो गया। शांति है आंबिल पे ही। तो आपने देखा कि किस तरह गए 20 सालों से यहाँ पे माता महालक्ष्मी की मूर्त बैठाई जाती है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। आंबिल ये एक ऐसा पदार्थ माता के पूजा में बनाया जाता है जो कि माता को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप देखते रहिए, हम आपको और भी ऐसी जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक कि आप देखते रहिए MH न्यूज़ 9 विदर्भ। नमस्कार।